दोस्तों आज आप देख रहे हैं होंडा यूनिकॉर्न 160। पहले ये बाइक 150 सीसी में आती थी, लेकिन अब ये बाइक 160 सीसी में आती है और BS6 ये बाइक अपडेट हो चुकी है। तो अब इस बाइक की प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, कितने फीचर्स आपको इस बाइक में मिलते हैं और कितने नए अपडेट इस बाइक में आपको मिलते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा होंडा यूनिकॉर्न 160 के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में आप हमारे चैनल को बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये बाइक उपलब्ध है इनविजन होंडा निकट टेढ़ी पुलिया लखनऊ उत्तर प्रदेश में, आप यहां पर होंडा की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। दोस्तों तो अब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न 160 के बारे में। सबसे पहले हम फ्रंट डिजाइन की बात करेंगे दोस्तों। तो डिजाइन तो इसका पहले के जैसा ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये आपको ये जो क्रोम में आपको यहां पर काउल मिल रहे हैं, ये इससे इस बाइक का लुक और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसमें हैलोजन वाली ही हेडलाइट मिलती है, लेकिन अगर आप डिजाइन देखेंगे तो पहले से ज्यादा प्रीमियम फीलिंग इस बाइक में आपको आएगी। इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो हल्के से फ्लेक्सीबल है ये, और बाकी फ्रंट डिजाइन आप देख सकते हैं कि आपको ये बाइक फ्रंट से कैसी लग रही है। प्राइस तो यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप प्राइस देख लें। यूनिकॉर्न BS6 एक्स शोरूम प्राइस लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनविजन होंडा पर 94,596 रूपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस के लिए आप इस शोरूम पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम साइड से इस बाइक को देखते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड से, आप देख सकते हैं राइट हैंड से बाइक का बहुत ही सुडौल मॉडल बनाया गया है। जैसा कि बहुत से लोग फैमिली टाइप बाइक ढूंढते हैं जिसमें उनको लंबी सीट चाहिए और इस प्रकार से वो अपने परिवार को भी बिठा सकें, तो उस प्रकार से इस बाइक को डिजाइन किया गया, क्योंकि इनकी एक्स ब्लेड भी आती है और जो इनकी हॉर्नेट आती है तो उसकी सीट का डिजाइन देखेंगे और इसकी सीट का डिजाइन देखेंगे तो काफी अलग है, तो मतलब ये आपकी फैमिली में अच्छी प्रकार से एडजस्ट हो सकती है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देखेंगे तो होंडा इसमें 3D में लिखा हुआ है, और यहां पर आप देखेंगे तो साइड पैनल पर भी आपको क्रोम मिलता है, जिससे ये जो लगाए गए हैं इससे इसका लुक और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी यहां पर मोनो सस्पेंशन है और BS6 बाइक मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे तो यूनिकॉर्न इस पे लिखा हुआ है, और ये इसके सीट काउल हैं जो कि पहले की तरह ही हैं, जैसे पहले बाइक आती थी 150 सीसी में, मॉडल इसका वैसे ही है, लेकिन पहले से ज्यादा ये प्रीमियम फीलिंग देने लगी है, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में काम किया गया है इस बाइक में। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मोनो सस्पेंशन, यहां पर भी क्रोम के पार्ट हैं, और BS6 हो चुकी है तो इसमें पेट्रोल टी हट गई है, क्योंकि अब इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लग चुका है दोस्तों। तो अब मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखा रहा हूं और आप लोग बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है। शोरूम में थोड़ी सी आवाजें आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर ये जैसे ब्लैक कलर की बाइक है तो आप यहां पर टी प्लेट देखेंगे तो इसको सिल्वर में दिया गया है, इसको भी सिल्वर में दिया गया है, जिससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छी लग सके। बाकी अगर आप यहां पर देखेंगे इसके स्विच को तो ये सारी चीजें वही हैं, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, पास की, हॉर्न की। यहां पर आप देखेंगे तो इंजन किल की स्विच भी इसमें आपको मिलती है, सेल्फ की स्विच मिल रही है, और साइलेंट स्टार्ट जैसा कोई फीचर सभी आपको इसमें नहीं मिलता है। फिलहाल ये BS6 में अपडेट हो चुकी है और काफी कम कीमत की बाइक है दोस्तों। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें आपको एनालॉग मीटर ही मिलता है, जिसमें आपको ये RPM मीटर मिलेगा, ये आपको ओडोमीटर मिलेगा, जिसमें आपको ट्रिप मीटर भी मिल रहा है, जहां से आप इसको रीसेट यहां से कर सकते हैं। ये इसकी बटन दी गई है। यहां पर माल फंक्शन की आपको लाइट मिलती है, हाई बीम की, इंडिकेटर की, न्यूट्रल की, तो इतने सारे फीचर्स आपको इसके मीटर में मिलते हैं दोस्तों। बस इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, क्योंकि ये बाइक कम कीमत में बनाई गई है, जिससे आप लोग कम कीमत में एक फैमिली टाइप बाइक खरीद सकें। अब जो भी फीचर्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसके इंजन को देख लें। पहले इसके इंजन का डिजाइन बिल्कुल अलग था, जब ये 150 सीसी थी, जैसा कि आपने हीरो की एक्सट्रीम में इंजन देखा होगा वही इंजन था, लेकिन अब 160 सीसी होने से इसका इंजन बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप यहां पर देखेंगे पहले इसमें गियर लीवर अलग प्रकार से था, लेकिन अब इसके गियर लीवर को चेंज कर दिया गया है दोस्तों। इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं, साथ में BS6 जब हुई है तो यहां पर पेट्रोल टी हटाई गई है और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगाया गया है, कैनेस्टर यहां पर इसमें लगा हुआ है, तो मतलब इसमें बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। मैं आपको इंजन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर दिखा दूं। आप यहां पर देखेंगे तो इसमें मोनो सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये फाइबर की इसमें चेन कवर लगाई गई है। पहले इसमें दो ही पेंच रहते थे, लेकिन अब इसमें जैसे पेंच और ज्यादा लगा दिए हैं, दो यहां लगाए गए हैं, दो यहां लगाए गए हैं, जिससे ये बिल्कुल कोई आवाज न करे, तो इस पर काफी अच्छे तरीके से काम किया गया है। सीट यहां से खुलेगी इस बाइक की, आप देख सकते हैं पहले यहां से खुलती थी, लेकिन अब ये यहां से खुलेगी। मैं आपको इसका पीछे का डिजाइन दिखाना चाहूंगा, इसकी बैकलाइट का डिजाइन भी काफी अच्छा बनाया गया है, आप लोग देखें और बताएं कि कैसी लग रही है बाइक। अगर हम टायर की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे 190/18 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, 130 mm की इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, और अगर आप देखेंगे आगे तो इसमें 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी। इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, सिंगल चैनल ABS इसमें आपको मिलेगा, यहां पर ABS इसमें लिखा हुआ दोस्तों, और इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, तो ये काफी अच्छी चीज है, इसमें आपको ABS भी मिल रहा है।
अब मैं आपको इंजन के बारे में बताना चाहूंगा इस बाइक के बारे में। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई इंजन के बारे में, मतलब कि एक फैमिली टाइप बाइक बताओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया इंजन है, जैसा कि आपने हॉर्नेट या एक्स ब्लेड में देखा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में काम किया गया है। यहाँ पर ये व्हाइट का जो ये व्हाइट किया गया है और ब्लैक पे ये व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है, ये काफी अच्छा और इसको काफी ऐसा लगता है दूर से आपको देखने में कि काफी भारी इंजन है और काफी नया सा लगता है दोस्तों। और बाकी नया साइलेंसर इसमें लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेलिटिक कन्वर्टर है, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर इस बाइक में आपको मिल रहा है, जैसा कि हर बाइक में अपडेट कर रहे हैं कंपनी वाले। बाकी अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इसमें 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 12.73 एचपी की पावर मिलती है 7500 आरपीएम पर, और इसकी मैक्सिमम टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर की 5500 आरपीएम पर। इसका बोर है 57.3 एमएम और इसका स्ट्रोक है 63.1 एमएम। इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं, साथ में किक भी मिल रही है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें किक भी लगाई गई है। और खास करके अगर आप देखेंगे तो हेड के डिजाइन को चेंज कर दिया गया है दोस्तों। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे कि इसमें कुछ चीजें हैं, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस और बाइकों से ज्यादा मिलता है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 187 एमएम और इसकी सीट हाइट है 798 एमएम दोस्तों। और इसका व्हील बेस भी काफी अच्छा बनाया गया है, 1335 एमएम इसका व्हील बेस है। इसका वजन है 140 किलोग्राम और पेट्रोल टैंक इसमें 13 लीटर का लगाया गया है। अगर हम माइलेज की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि इसकी बीएचपी जो है वो थोड़ी सी कम है, तो ऐसे में फ्यूल इंजेक्शन लगने से ये बाइक आपको लगभग 50 से 55 तक की माइलेज दे सकती है, वो भी सही चलाने पर मैं कह रहा हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा रफ राइडिंग करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी कम हो सकती है। मेरे हिसाब से जो माइलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपको इस बाइक की डिजाइन दिखाई, आप देख सकते हैं काफी सुडौल डिजाइन इस बाइक का बनाया गया है और दो एक्सेलरेटर की इसमें वायर आपको मिलती है। तो इसकी जो भी प्राइस है मैंने आपको प्राइस यहाँ पर लिखी हुई दिखाई है दोस्तों, और माइलेज भी मैंने आपको बताया, इसके स्पेक्स बताए, फीचर्स बताए। आपको ये बाइक कैसी लगी, आप लोग इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है होंडा यूनिकॉर्न 160 के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।